हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह हमारे जिज्ञासा सीरीज का लेक्चर है। इसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले प्रीलिम्स 2019 के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इस सीरीज के सारे वीडियो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए जो सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिज स्टैंडर्ड, लाइव मिंट और PIB। इनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उससे हम MCQs बनाते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। हमारा पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, FSDC इज ए नॉन स्टेचुटरी एपेक्स काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, द काउंसिल इज टास्क्ड विथ मॉनिटरिंग मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड स्टेटमेंट है, द उडैक कोटक कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ FSDC। आपको यह बताना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम नहीं करता है। तो अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें दो सेकेंड स्टेटमेंट है, ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में सोचना है। यह रिकमेंड किया गया था रघुराम राजन कमिटी के द्वारा, ना कि उदय कोटक कमिटी के द्वारा, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर है 2 ओनली। यह मॉनिटर करता है जो हमारा इकोनॉमी है उसके माइक्रो पैरामीटर्स को, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है उसको यह मॉनिटर करता है। तो आपका आंसर है बी, 2 ओनली। इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में यह डिस्कस किया है कि क्वालिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग से जो चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं उससे कैसे डील किया जाए। इसका भी एक एग्जांपल है कि आईएलएंड एफएस की रेटिंग AAA थी, लेकिन फिर भी इसमें क्राइसिस आया। मतलब यह है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो इनेबल नहीं है रियल क्रेडिट रिस्क को एसेस करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के डिटेल को समझते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है और यह नॉन स्टेचुटरी एपेक्स काउंसिल है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसे बनाया गया था गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो 2010 में इशू किया गया था। इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ इसमें जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसी के जो हेड होते हैं वो होते हैं, RBI के हेड होते हैं, SEBI के होते हैं, IRDA के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी इसमें होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। 2018 में इसमें अमेंडमेंट करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका एम यह है कि यह मॉनिटर करे कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और उसके लिए क्या मैकेनिज्म फॉलो होना है उसे यह बॉडी डिसाइड भी करता है। यह मैक्रो पैरामीटर को वॉच करता है और देखता है कि कंट्री में क्या रिस्क है, क्या फाइनेंशियल रिस्क आने वाला है और उसे यह एसेस करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है, इसके सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए। इसे एस्टैब्लिश किया गया था रघुराम राजन कमिटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि गठित किया गया था 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती हैं, वो कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग असाइन करती हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो उसने डेब्ट लिया है किसी कंपनी ने या किसी एंटिटी को, उसकी पेबैक कैपेसिटी क्या है, कैसे वह पे करेगा, उसके अगेंस्ट वह रेटिंग देती हैं। और यह असेसमेंट किसी कंपनी के लिए हो सकता है, किसी स्पेशल पर्पस एंटिटीज के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रेटिंग होती है, लोकल बॉडीज की भी होती है, इवन कंट्रीज की भी रेटिंग होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। भारत में SEBI के अंदर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड है, उसमें है क्राइसिल, ICRA, CARE, CMERA, फिनटेक इंडिया एंड ब्रिक वर्क रेटिंग्स। तो ये 6 रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी है SEBI के अंदर, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस साल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काफी न्यूज में थी, हो सकता है UPSC से सवाल बना दे। तो इनके सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज
आर एरियाज विद इन 15 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सेकेंड स्टेटमेंट है, ई एस जेड्स आर नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तीसरा आपका स्टेटमेंट है, द बनरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका. जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है. जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर होते हैं, ना कि 15 किलोमीटर के. तो आपका फर्स्ट गलत हो जाता है. अगर फर्स्ट गलत होता है तो आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, बी को एलिमिनेट कर सकते हैं और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आपको सेकेंड और थर्ड के बारे में नहीं पता था फिर भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि यहां हुआ है. तो जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आपको दिखे, आपको देखना है कि क्या किसी एक स्टेटमेंट की मदद से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं. अगर कर पा रहे हैं तो आपको वो तरीका अपनाना है, बिकॉज इससे काफी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे स्टेटमेंट नहीं आने के बावजूद भी. बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में है, यह सही है. और स्पेशल सॉरी इको सेंसिटिव जोन को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत नोटिफाई किया गया था. तो ये सेकंड एंड थर्ड सही है. आपका आंसर है सी, 2 और 3 वनली. इसके डिटेल को समझ लेते हैं. इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट कमिटी ने यह रिकमेंडेशन दिया है कि बनरघट्टा नेशनल पार्क के आसपास के इको सेंसिटिव जोन को 100 स्क्वायर किलोमीटर तक कम कर देना चाहिए. यह काफी बड़ा रिकमेंडेशन है, इससे काफी ज्यादा चेंजेस जा सकते हैं. जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है. देखिए जैसे कि यहां से प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री शुरू होती है, तो इसके 10 किलोमीटर पहले का जो एरिया होता है यह होता है इको सेंसिटिव जोन. यह बफर जोन की तरह काम करता है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए. यह प्रोटेक्टेड एरियाज आपका नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो उसके 10 किलोमीटर का पहले का जो एरिया होता है इको सेंसिटिव जोन होता है, और इस एरिया को नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत. तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है. बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में है और यह बैंगलोर के काफी नजदीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है. यहाँ आपको एलिफेंट मिलते हैं, अलग अलग तरह के डियर यहाँ मिलेंगे, सांभर मिलेगा आपको, स्पॉटेड डियर मिलेंगे, बार्किंग डियर मिलेंगे, तो इसे आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे एक बायोलॉजिकल पार्क भी है जिसे हम बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, और यह नेशनल पार्क का ही पार्ट है. 2002 में यह एक इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया गया था, तो इसे आपको ध्यान रखना है. यह वर्ल्ड का ऐसा फ्यू प्लेसेज है जहां बड़ी सिटीज के पास हम वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं. ऐसी बहुत कम सिटीज में है कि इतनी बड़ी सिटी के पास हम वाइल्डनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ जू है, सफारी है, यहाँ बटरफ्लाई पार्क्स हैं, रेस्क्यू सेंटर्स हैं, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू वेस्ट नील वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट है, वेस्ट नील वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ मंकी. सेकेंड स्टेटमेंट है, वेस्ट नील वायरस कैन कॉज अ फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन ह्यूमंस. जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है. यह गलत इसलिए है बिकॉज ये मंकी के बाइट से नहीं होता है, यह मॉस्किटो बाइट से होता है. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, यह ह्यूमंस में एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्रिएट करता है जो कि काफी फेटल होता है, उससे लोगों की डेथ भी हो जाती है. तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है और पहला गलत है. तो इस तरह से आपका आंसर है 2 ओनली बी. इसके डिटेल को समझते हैं. इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सर्विलेंस टीम केरला भेजी है जो कि वेस्ट नील फीवर के केसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा. भारत में वेस्ट नील वायरस काफी अनकॉमन है, लेकिन फिर भी 1977, 78 और 1981 में यह वेल्लोर और कोलार में पाया गया था. तो उस कारण से गवर्नमेंट को यह लगता है कि हो सकता है यह वायरस फिर से इमर्ज हो रहा हो, तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है. 2011 में जब केरला में एक्यूट इंसेफ्लिस सिंड्रोम का आउटब्रेक हुआ था, उस समय भी क्लिनिकल स्पेसिमेंस में इसे कंफर्म किया गया था, वेस्ट नील वायरस को. तो उस सेंस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो. वेस्ट नील वायरस ह्यूमन को न्यूरोलॉजिकल डिजीज से प्रभावित करता है जो कि फेटल हो सकता है, इसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है. 80% केसेस में इन्फेक्टेड पीपल इसके कोई सिम्टम्स भी शो नहीं करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बीमार हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आएगी और एकाएक से आपकी डेथ भी हो सकती है. ये मॉस्किटो बाइट से होता है. इसके जो नेचुरल होस्ट हैं वो है आपके बर्ड्स. ये बर्ड्स के अंदर होता है, वहां से यह मॉस्किटो के पास आता है और मॉस्किटो से यह ह्यूमन में आता है.
इससे हॉर्सेज भी काफी प्रभावित होते हैं, हॉर्सेज को भी यह प्रभावित करता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो होता है कुलेक्स मॉस्किटोज के काटने से होता है, यह नाम आप ध्यान रखिएगा, कुलेक्स मॉस्किटोज, यह काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका केस आया था 1937 में युगांडा में, जो कि वेस्ट नील डिस्ट्रिक्ट में आया था, युगांडा का यह डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इस वायरस का नाम वेस्ट नील वायरस है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अगला सवाल है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इंडियन स्टेट्स हैव बीन पब्लिश्ड जॉइंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। आपको यह बताना है कि हाल ही में जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है इंडियन स्टेट्स के लिए, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया गया है। आपका स्टेटमेंट वन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर इस फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ने ज्वाइंटली क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को जारी किया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके डिटेल को समझते हैं, इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि साइंटिस्ट के द्वारा हाल ही में हिमालयन रीजन स्टेट्स के लिए क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है, और इस इंडेक्स को जारी करने के लिए जो बेसिस लिया गया है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ स्टेटस, सेंसिटिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट लाइवलीहुड, इंफॉर्मेशन का एक्सेस, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनके बेसिस पे क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्रिएट किया गया है हिमालयन रीजन स्टेट्स के लिए, और इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। साथ ही साथ इसमें इनका हेल्प किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडियन हिमालयन क्लाइमेट एडॉप्शन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इस असेसमेंट में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट है वो है असम, उसकी जो रेटिंग है वो है 0.72 एक के स्केल में। मिजोरम सेकेंड स्थान पे है, सिक्किम सबसे कम वल्नरेबल स्टेट है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है यह। ऐसा इसलिए है बिकॉज इन स्टेट्स के ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग हैं, क्लाइमेटिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग हैं, और ये सारे फैक्टर इसमें लिए गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। असम हाईली वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज स्टेट इसलिए है बिकॉज वहाँ इनकम काफी कम है लोगों की, वहाँ डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है, मार्जिनल फार्मर्स की संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास नहीं है, तो इन सब रीजन से असम टॉप पे है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिमालयन रीजन हाईली क्लाइमेट सेंसिटिव जोन है, यहाँ सडन चेंज आते हैं क्लाइमेट में और वेदर में, तो इसे आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रॉपर टेक्नोलॉजी की मदद से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कॉम्बेट किया जा सकता है। यह जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है इससे ऑफिशियल्स को मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग में, वो स्पेस स्पेसिफिक प्रोग्राम बना पाएंगे कि किस स्टेट पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना है, किस स्टेट पे उन्हें कम फोकस करना है, यह डिसीजन लिया जा पाएगा इन वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की मदद से। यह टेबल दिया गया है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि असम टॉप पे है, फिर मिजोरम है, और जो सबसे कम वल्नरेबल है वो है सिक्किम और उत्तराखंड, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, एएफ इंडेक्स 19 इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको यह बताना है कि जो एएफ इंडेक्स है वह इंडिया और किस कंट्रीज के बीच होता है। आपका ऑप्शन ए है यूरोपियन नेशंस, बी है अफ्रीकन नेशंस, सी है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और डी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो आपका आंसर है वो है अफ्रीकन नेशंस, ये इंडिया और 16 अफ्रीकन नेशन के बीच एक्सरसाइज है, इसे आपको ध्यान रखना है। यह फैक्चुअल सवाल था, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता था तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। आपका आंसर है बी, इसके डिटेल को समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि एएफ इंडेक्स 19 एक ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और 16 अफ्रीकन नेशन के बीच पुणे में 18 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके बीच ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस डेवलप हो, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए वो प्रिपेयर हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत काम करता है जिसमें कंट्रीज आपस में टेक्टिकल प्रैक्टिसेस सीखती हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपस में हैं वो एडॉप्ट करती हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उसमें इजिप्ट है, घाना है, नाइजीरिया है, नाम्बिया है, साउथ अफ्रीका है, सूडान है, तो इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एम यह है कि कंट्रीज के बीच
इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े और जो बेस्ट मेथोलॉजी है आपस में सीखे और सिंक्रोनाइजेशन भी बढ़े। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी यूपीएससी इनसे सवाल बना सकती है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस को अगर क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां ऐप का भी लिंक दिया गया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।